कल तो मेरा बर्थडे है। पापा बोलते हैं कि बर्थडे के दिन जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है, पर मैं क्या मांगू गॉड के पास? हाँ गॉड, मुझे ना कुछ मैजिकल गिफ्ट चाहिए। क्या ये विश पूरी हो सकती है? मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। वाओ, पापा ने कितने अच्छी बुक लाई है और ये पेंसिल भी बहुत क्यूट है। मैं ना एक काम करती हूँ, इस बुक पर ना ड्राइंग करती हूँ और पापा को बोलती हूँ मुझे सेम टू सेम ऐसा ही केक चाहिए। हाँ मुझे ना चॉकलेट फ्लेवर का केक चाहिए, चॉकलेट तो मेरा फेवरेट है। मैजिक से आया है क्या? मैजिक से आया? मैंने एक काम करती हूँ, इस पेंसिल से ना चॉकलेट की ड्राइंग निकालती हूँ। अगर चॉकलेट सच में आया तो ये मैजिक पेंसिल ही है, इससे कुछ भी निकालो ये सच हो जाता है। हाँ मेरे पास ना टॉयज है पर यूनिकॉर्न का टॉय नहीं है। हाँ मुझे यूनिकॉर्न का टॉय चाहिए। वाओ कितना अच्छा टॉय है, मैंने इसे चला दी, यहाँ पर आ जाओ। दिखाऊंगी, काश मेरा कोई फ्रेंड होता तो हम दोनों मिलके इसके साथ खेलते, हम बहुत मस्ती करते। मैंने काम करती हूँ, इस मैजिकल पेंसिल से यहाँ पर मेरे फ्रेंड की ड्राइंग बनाती हूँ और वो रियल में आ जाएगा और हम दोनों मिलकर इसके साथ खेलेंगे। हाँ मैं अभी ड्रॉ करती हूँ। मुझे फ्रेंड मिल गई, थैंक यू मैजिक पेंसिल।
आज तो खेलकर बहुत मजा आया। मुझे ना वो यूनिकॉर्न वाला टॉय था ना, वो बहुत पसंद आया। बहुत सुंदर दिख रहा था। अरे हाँ, खेलकर तो बहुत थक गए, तो मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। हाँ, तुम क्या खाओगी बताओ मुझे। अरे तुम जो खाओगे वो मैं खाऊंगी। मुझे ना बर्गर बहुत पसंद है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो खाओगे वो मैं खा दूंगी। ठीक है, तुम्हारे लिए भी बर्गर। देखो बर्गर आ गया। पर इसे कैसे खाते हैं? रुको मैं तुम्हें ऐसे इसे पकड़ना। ओके। पकड़ लिया? हाँ। अब बाइट करो। ऐसे। वाव, ये तो बहुत टेस्टी है। इसलिए ये मेरा फेवरेट है। परी, इस मैजिकल पेंसिल से तू जो ड्रॉ करती है वो तुम्हें मिल जाता है? मुझे सब कुछ मिल जाता है। इससे तो मैंने तुम्हें ड्रॉ किया था और तुम आ गई, और हमें वो टेडी बेयर मिले थे पता है? हाँ। वो भी मैंने इससे ड्रॉ किया था, मैजिकल पेंसिल से। परी, तुम्हारे पास तो मैजिकल पेंसिल है, तो इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों मांगती हो? जैसे कि केक, चॉकलेट और छोटे मोटे टॉयज। कुछ बड़ा मांगना चाहिए ना। जैसे कि कार, गाड़ी, पैसा, ज्वेलरी, सोना चांदी, गुड्डी। ये सब चीजें तुम्हारे पास पहले से ही हैं, और वैसे भी ये सब चीजें मांगना सेल्फिश होना होता है, और मैजिकल पेंसिल का यूज अच्छे काम के लिए ही करना चाहिए। परी, तू कितनी बेवकूफ है। परी के पास मैजिकल पेंसिल है फिर भी वो इतनी छोटी मोटी चीजें मांगती है। अब मेरे पास मैजिकल पेंसिल होती ना तो मैं कितने बड़े बड़े चीजें मांगती, कार, बंगला, पैसा सब मांगती। ये तो सच में पागल ही है। तो पेट भर गया, मुझे बस हो गया। हो गया तुम्हारा? हाँ, मैं ना चेंज करने के लिए जा रही हूँ, मुझे फ्रेश भी होना है। तब तक तुम बेडरूम में आ जाना। ओके? ठीक है। परी के पास तो कितनी अच्छी मैजिकल पेंसिल है। परी, उस मैजिकल पेंसिल से जो मांगते हो वो उसे मिल जाते हैं। काश है मैजिकल पेंसिल मेरे पास होती। एक काम करती हूँ, परी अभी सोई है तो उसकी मैजिकल पेंसिल है ना मैं चुराती हूँ। ठीक है, आज गुड्डी जल्दी उठ गई, पर मेरी मैजिकल पेंसिल कहाँ पर है? लगता है मैंने हॉल में रख दी है। लेकिन इस मैजिकल पेंसिल से ना मैं खुद के लिए एक बहुत अच्छी सी गाड़ी ड्रॉ करती हूँ। गाड़ी सच के, वाव, ये तो गाड़ी कितनी बड़ी है। वाव, ये कितनी बड़ी गाड़ी है और कितनी सुंदर है। इसका कलर भी कितना अच्छा है। वाव, इस गाड़ी में बैठकर मैं तो कहाँ भी घूमने जा सकती हूँ। वाव, ये परी मैजिकल पेंसिल से क्या मांगती थी? चॉकलेट और आइसक्रीम। मैजिकल पेंसिल है तो कुछ बड़ा मांगना चाहिए ना। काश मुझे एक बहुत बड़ा सा घर और कुछ ज्वेलरी मिल जाए तो मैं परी को छोड़कर ना चली ही जाऊंगी। और क्या मांगू मैजिकल पेंसिल से? मुझे ना एक बहुत बड़ा सा सॉफ्ट टॉय चाहिए। तो कितना बड़ा है ये। ओ, और क्या मांगू? हाँ, और एक बड़ा सा डॉल हाउस। वाव, इतना बड़ा डॉल हाउस, ये तो कितना सुंदर है। और क्या मांगू? एक गन, मुझे गन चाहिए बड़ी।
वाव इतनी बड़ी गन। यस वाव ये तो बहुत बड़ी गन है। हाँ पानी तो बहुत ठंडा था, क्या करें नहाना तो होता ही है, पर मेरे मैजिकल पेंसिल कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, कहाँ चल गई मैजिकल पेंसिल? मैंने गुड्डी को पूछ लिया, शायद उसे पता हो। गुड्डी वाओ ये मैजिकल पेंसिल तो बहुत ही अच्छी है, इतने सारे मुझे टॉयज दिए। मेरी मैजिकल पेंसिल यहाँ पर नहीं है। अच्छा गुड्डी तुम्हारे पास है मेरी मैजिकल पेंसिल, और ये क्या? तुमने मेरे मैजिकल पेंसिल से इतने सारे टॉयज और ज्वेलरीज ले लिए। गुड्डी ठीक है अब जाने दो, मेरी मैजिकल पेंसिल मुझे वापस कर दो। ओके ये मैजिकल पेंसिल मेरी है। गुड्डी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये मैजिकल पेंसिल मेरी है। ये मैजिकल पेंसिल मेरी है। गुड्डी तुम्हें पता है क्या, मैंने तुम्हें मैजिकल पेंसिल से ड्रॉ की थी, इसलिए तुम यहाँ पर हो। हाँ हाँ पता है मुझे। गुड्डी तुम ऐसा कर रही हो, ये मैजिकल पेंसिल मेरी है। पर ये मैजिकल पेंसिल मेरी है। मेरी है, मेरी है मैजिकल पेंसिल, वापस दे दो मुझे, मुझे चाहिए मैजिकल पेंसिल। ये मेरी मैजिकल पेंसिल है। ये मुझे चाहिए परी। अरे मुझे चाहिए बता ना। और ये मैजिकल पेंसिल मेरी है, तुम्हें फोन करना, मेरी है मैजिकल पेंसिल, मुझे मेरी है, मेरी है, मेरी बहुत आप पूरी मेरी है मैजिकल पेंसिल, मेरी है ये। दे दो मुझे मैजिक पेंसिल, तो टूट गई, गुड्डी भी चली गई। वैसे भी गुड्डी सेल्फिश थी बहुत, सारे टॉयज और ज्वेलरीज भी चले गए, मेरी मैजिकल पेंसिल टूट गई। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं विदाउट मैजिकल पेंसिल भी ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए मैजिकल पेंसिल। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस स्टोरी में आपको क्या पता चला कि कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेल्फिश होते हैं वो कभी भी दोस्त नहीं होते। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उस रेड बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना, और परीज लाइफस्टाइल के इंस्टाग्राम पेज की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ भी जाकर फॉलो कीजिए। तो हम आते हैं एवरी वेडनेसडे एंड संडे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Bye.